व्यापारी, ऑनलाइन को बंद किया जाए। वैसे व्यापारी को कोई दिक्कत नहीं, व्यापारी सुरक्षित है इस राज्य के अंदर, योगी सरकार के अंदर सुरक्षित है, लेकिन ऑनलाइन जो चली हुई है इससे व्यापारी परेशान है। नहीं, ऑनलाइन तो बंद है, होने से ही हमारा काम चलेगा। हम खाली बैठे हैं, लोन वालों पर ठीक काम है, ऑनलाइन पे कुछ भी नहीं है। टैक्स लगाया जाए। हाँ, नहीं, योगी सरकार ही आएगी और यही मांगे उनसे कि थोड़ा दुकानदारों की तरफ विशेष ध्यान दे। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। इस वक्त मैं गाजियाबाद के वैशाली इलाके में पहुंचा हूं, जो कि साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में आता है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो गाजियाबाद का साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा वोटर रहते हैं। इस बार लगभग 10.5 लाख लोग इसमें हिस्सा लेने वाले हैं, चुनाव को लेकर बात कर रहे हैं। और हमारे साथ तमाम वैशाली के जो व्यापारी हैं वो जुड़े हैं, इनसे हम आज बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार चुनाव को लेकर इनके क्या मुद्दे रहने वाले हैं, सरकार से ये क्या मांग करते हैं और अब तक जो बीजेपी का शासन रहा है उसको वो किस तरह से देखते हैं। तो तमाम हमारे साथ व्यापारी मौजूद है, उनसे शुरुआत करते हैं। जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? नाम मेरा है मनोज गोयल, मेरा नाम है मनोज गोयल। आपने बात करी व्यापारियों के बारे में। कोई भी व्यापारी चाहता है कि जब हमारे काम करूँ वहाँ सुरक्षा रहे, है ना। इस सरकार ने व्यापारियों को सुरक्षा की गारंटी दी है, इस सरकार ने बिजली दी है। पहले क्या होता था, हमारे लाइट नहीं होती थी, 6-6 घंटे लाइट चली जाती थी, दुकानदार दुकान पे कोई ग्राहक आता नहीं था। बिजली दी है, इसी सरकार ने लोगों को जो है स्वास्थ्य दिया है। कोरोना काल में सब जानते हैं कैसे लोगों को वैक्सीन लगाई है और फ्री वैक्सीन दी है। सरकार का काम होता है चिकित्सा, शिक्षा। शिक्षा रूप में सरकार ने बड़े जो है मतलब बड़े बदलाव करें। 15 मेडिकल कॉलेज गाजियाबाद यूपी को दिए हैं। इससे पहले बिल्कुल मेडिकल कॉलेज होते नहीं थे, लोग बाहर जाते रहे, पढ़ने जाते रहे, चलने जाते रहे, अब यूपी में अंदर आने लगे हैं। सरकार का बदलाव तो है। तो हम मान सकते हैं कि गाजियाबाद का, वैशाली का जो व्यापारी है वो बीजेपी सरकार बिल्कुल है, बिल्कुल खुश है सरकार। वही सुन, व्यापारी की कोई पार्टी होती नहीं है, व्यापारी उसको वोट करता है जो व्यापारी व्यापार करने में लोगों को जो है सुरक्षा की गारंटी दे सके। हमारे इस वैशाली में थाना खुला है नया, खाला इसी सरकार ने खोला, थाना खोला है। पहले यहाँ पर जब पुलिसिंग कम होती थी, अब पुलिसिंग ज़्यादा होती है, चेंज कितनी घटना बहुत कम हो गई है। और क्या चाहिए व्यापारी को? चलिए और भी लोगों से बात करते हैं और व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आप बताइए, आपका क्या? मेरा नाम महावीर प्रसाद जिंदल है। आपका किस चीज़ का व्यापार? हमारा रेडीमेड कपड़े का व्यापार है जी। अच्छा, अगर कपड़ों को लेकर बात की जाए, ऑनलाइन डिमांडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, तो कैसा व्यापार चल रहा है? देखो जी, ऑनलाइन से दुखी है व्यापारी, ऑनलाइन को बंद किया जाए। वैसे व्यापारी को कोई दिक्कत नहीं, व्यापारी सुरक्षित है इस राज्य के अंदर, योगी सरकार के अंदर सुरक्षित है, लेकिन ऑनलाइन जो चली हुई है इससे व्यापारी परेशान है, क्योंकि ऑनलाइन से सब माल मंगा लेते हैं जी। हम किराए भाड़े वाले दुकानदार होते हैं तो वहाँ कहाँ से किराए भाड़ा निकालेंगे, वो लोग ला करके सस्ता सस्ता माल बेच देते हैं जी, जिससे कि ऑनलाइन की वजह से व्यापारी बहुत दुखी है जी, बहुत परेशान है जी। आप चाहते हैं कि यूपी सरकार इस बार कोई खास तौर पर यूपी के लिए कोई ना कोई कानून ऐसे बनाए जो व्यापारियों को लाभ हो और ऑनलाइन जो है वो भी? बिल्कुल, ऑनलाइन को बंद किया जाए जी, हमारी ये मांग है बिल्कुल, कि ऑनलाइन को बंद कर दिया जाए और मतलब जिससे कि व्यापारी अपना व्यापार कर सके। देखो व्यापार पहले लॉकडाउन से मरा हुआ था, बल्कि योगी सरकार ने मतलब कहने काफ़ी इसको मतलब कहने का अब खोल करके काफ़ी अच्छा किया, और देखो इस बार बंद भी नहीं हुआ। दिल्ली बंद होगी, दिल्ली वाले बहुत परेशान हुए, लेकिन यूपी के अंदर कोई बंद नहीं हुआ, तो हम सब सुरक्षित है, बढ़िया है जी। लेकिन ऑनलाइन बंद की जाए, ऑनलाइन बंद करने की इनकी मांग है। और भी व्यापारी इनसे बात करते हैं जी, आप बताइए क्या नाम? बिंदेश्वर साहब। आप किस चीज़ के? मैं मिठाई की दुकान चलाता हूँ। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे, सिलेंडर का रेट ज़्यादा हो गया है। सिलेंडर का रेट ज़्यादा है, थोड़ा ये कम होना चाहिए। मांग रहेगी जी? मांग रहेगी। अच्छा, और बिजली के बिल को? बिजली मतलब बिजली बिल भी थोड़ा महंगा है, थोड़ा कम होना चाहिए। और बाकी बिजली की व्यवस्था अच्छी हो गया है पहले के मुकाबले, जो पहले लाइट कई कई घंटों तक नहीं होते थे वो अब ठीक है। बाकी थोड़ा रेट में थोड़ा कमी होना चाहिए। गैस सिलेंडर कम कराना चाहते हैं, ये इनकी मांग है। और भी व्यापारी मौजूद हैं। बाकी भी ऑनलाइन का काम बहुत ज़्यादा चल रहा है, ऑनलाइन को बंद कर दिया जाए? अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे, अगर ऑनलाइन बंद कर दिया जाए तो बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको जो मिली है वो चली जाएगी, क्या आप ऐसा नहीं सोच सकते कि ऑनलाइन को जो है एक लिमिटेशन कर दी जाए या फिर कोई नए कानून बना दिया जाए ताकि आपका भी काम? नहीं, ऑनलाइन तो बंद है, होने से ही हमारा काम चलेगा। हम खाली बैठे हैं, लोन वालों पर ठीक काम है। सीएम योगी से मांग? हाँ, योगी से यही मांग हमारी, बाकी और व्यवस्था ठीक है। चलिए और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं जी, आप बताइए आपका क्या? विनोद कुमार सिंगल। अच्छा, आप किस चीज़ का व्यापार? बच्चों का व्यापार है, छोटे कपड़े बच्चों के। अच्छा, तो अगर ऑनलाइन के अलावा अगर और कोई समस्या है तो है कोई समस्या जो हो जाए? ज़्यादा तो व्यापार मंदा जो हो रहा है ऑनलाइन की वजह से हो रहा है, वे दिखाते तो कुछ हैं दे जाते कुछ हैं, उनकी समस्या बहुत कह रही है।
दुकान पर तुम्हारी देख जा सामान, फिर ऑनलाइन से मंगावे और मंदा आता नहीं, 2-4 रुपए ही मंदा आवे। तो आप चाहते हैं कि ऑनलाइन बंद हो जाए तो दुकानदार जी जाएंगे नहीं तो। कमर्शियल बिजली का रेट क्या चल रहा है? पता नहीं जी, हमें तो क्या बिल आया जी, 13 रुपये कुछ जो दुकानदार GST भी देता है, दुकानदार सब कुछ देता है, फिर भी वो दुकानदार ही मारा जाता है। ऑनलाइन के ऑनलाइन पे कुछ भी नहीं है, टैक्स लगाया जाए ऑनलाइन पर, टैक्स ज़्यादा लग जाए, बराबर लग जाए तो उसे ऑनलाइन पे पड़ जाएगा, हमारा मंदा हमारे से मंदा नहीं पड़े उनका। आप चाहते हैं कि ऑनलाइन पर जो है टैक्स लगा दिया जाए, वो तमाम चीज़ें हैं, और भी लोग हैं, इनसे भी जान लेते हैं जी। आप बताइए आपका क्या नाम है? गौरव अरोरा। अच्छा, किस चीज़ का व्यापार? गारमेंट्स। अच्छा, गारमेंट्स के हैं तो कैसे चल रहा है अभी? गारमेंट्स ठीक है, सो है, लेकिन ऑनलाइन की वजह से बहुत ही अफेक्टेड है। इसके अलावा और सब कुछ? हाँ, बाकी तो ओके है, फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं। बिजली के रेट को लेकर, GST को लेकर वो तो प्रॉब्लम्स हैं ही, और हम यही कहते हैं कि ऑनलाइन में अगर जो गवर्नमेंट अच्छे से उनको टैक्स लगा दे तो आम कंज्यूमर के लिए फिर उनके लिए सोचना मुश्किल हो जाएगा कि वहाँ भी वही रेट है, शॉप पे भी वही रेट है, शॉप पे आए ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, लगभग जहाँ तक जानकारी है लगभग GST वगैरह सब लगता है उन पर, और अगर ऑनलाइन बंद होता है तो जो डिलीवर्स बॉय होते हैं या जो वहाँ काम करते हैं तो वो भी बेरोजगार? ये बात भी सोचने की है, लेकिन कुछ शॉपकीपर के बारे में भी सोचा जाए, क्योंकि शॉपकीपर वास्तव में बहुत परेशान है। तो योगी सरकार से क्या मांगते हैं? योगी सरकार से ये मांग चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, अगली सरकार जो भी है, नहीं योगी सरकार ही आएगी, और यही मांगे उनसे कि थोड़ा दुकानदारों की तरफ विशेष ध्यान दें और ऑनलाइन में कुछ करें कि हमारा कुछ भला हो सके। ये और भी व्यापारी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। जी बाबू जी, क्या नाम है? भागवत प्रसाद सिमोर। क्या काम करते हैं? बेकरी का। तो बेकरी को लेकर क्या माहौल चल रहा है मार्केट? ठीक है, बेकरी ऑनलाइन वगैरह तो जहाँ तक है इतना नहीं होता। हाँ, परेशानी होती है ऑनलाइन? हमें नहीं होती है, वो क्या कहते हैं उसका नाम, हमारे सेलमैन जाते हैं माल लेके, तो वो सीधा ऑनलाइन खरीद। तो योगी सरकार से कुछ मांग चाहेंगे कि व्यापारी के लिए अगर सरकार बने या फिर जो भी सरकार बने अगली, वो व्यापारी के लिए कुछ करे? हाँ, ये हम चाहते हैं कि योगी सरकार में आगे भी बढ़िया हो, अभी भी जो ठीक है। चलिए, और भी व्यापारी हैं उनके पास भी चलते हैं, उनसे भी बात करते हैं कि उनकी क्या मांगे। जी आप बताइए क्या नाम है? टेकचंद शर्मा जी। क्या व्यापार करते हैं? किराने का काम है। कैसा चल रहा है आजकल? बहुत डाउन। ग्रोसरी वगैरह सब ऑनलाइन आजकल तो, और ख़ास तौर पर अगर इंदिरापुरम वैशाली वसुंधरा की बात की जाए तो VIP एरिया। हाँ, VIP एरिया काम बहुत बिल्कुल ना के बराबर है, मतलब जो एक आध दो नौकर भी रख रखे हैं उनकी तनख्वाह भी नहीं दे पा, बाकी सरकार बहुत बढ़िया, और कोई ऐसा नहीं आ रहा जो हमारी दुकान पर आ गए अरे गरे झाँक रहे हो, पहले तुम्हारे गले ने भी झाँक ले आके क्या कमा रहे हो क्या ले रहे हो, ठीक है ना, वो धंधा ख़त्म है, बाकी खत्म। हाँ, बाकी व्यापार हमारा ये सरकार बढ़ा दे, थोड़ा सा काम चले, ऑनलाइन कुछ थोड़ा सा डाउन कर दे, कर करो इससे हमें वो नहीं है, इस दिन रखो कि जो मतलब व्यापार घट बैठे हैं उनके दो नौकर भी लग रहे हैं, उनकी भी तनख्वाह निकट जाए, हमारा भी खर्चा पानी लग जा, अब GST भी दे रहे हैं क्यों जी, वकील भी कर रखे हैं, और क्या नाम है वो क्या बोलते हैं बिजली हो गया, और वो क्या नाम है CA कर रखे हैं, उनका का पैसा कहाँ से दें बताओ, हाउ टैक्स है, बिजली का बिल है, CA का है, अब उनको कहाँ से दें हम बताओ। तो मांग होगी कि इस बार या सरकार बहुत अच्छी, मतलब जो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब सुरक्षित हैं, कोई ये नहीं आ रहा भाई, गुंडे नहीं आ रहे, कोई बदमाश नहीं आ रहे, आज तक मतलब 5 साल से कोई फटका नहीं दुकान के ऊपर, अधिकारी पैसा कहाँ से दें बताओ, हाउ टैक्स है, बिजली का बिल है, CA का है, अब उनको कहाँ से दें हम बताओ। तो मांग होगी कि इस बार या सरकार बहुत अच्छी, मतलब जो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब सुरक्षित हैं, कोई ये नहीं आ रहा भाई, गुंडे नहीं आ रहे, कोई बदमाश नहीं आ रहे, आज तक मतलब 5 साल से कोई फटका नहीं दुकान के ऊपर, अधिकारी लेकिन चाहते हैं कि इस बार जो है कुछ नए नियम इस पर, मतलब ये भाई सब दुकानदारों को सब कोई मतलब जो दो रोटी मिलनी चाहिए। तो बिल्कुल देखिए, ये गाजियाबाद के वैशाली के व्यापारी थे जिनकी मांग है ऑनलाइन को लेकर कि ऑनलाइन जो व्यापार है उसको लेकर कुछ कड़े नियम बनाए जाएँ ताकि इन लोगों की भी रोजी रोटी आसानी से चल सके। इसके अलावा गैस सिलेंडर को लेकर कुछ शिकायतें हैं कि आने वाली सरकार जो होगी तो कुछ रियायतें केंद्र सरकार की मदद से वो कर सके, और बिजली को लेकर जो कॉमर्शियल है उसको लेकर थोड़ी सी इन लोगों को नाराज़गी है कि आने वाले समय में जब सरकार दोबारा से बनेगी तो वो इसको भी कम कर सके। गाज़ियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, जनहित टाइम्स।